आइए आज एक नया निबंध है ए रेलवे कुली, इसका अध्ययन करते हैं, जो कि आपके राजू प्रकाशन की किताब में 27वें नंबर पर दिया है निबंध वाले चैप्टर में। तो रेलवे कुली भी इस वर्ष के परीक्षा के लिए 2021 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिए और 9 या 10 दोनों में इम्पोर्टेंट होगा, दोनों के लिए यूजफुल है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका, ठीक। तो बोर्ड परीक्षा में आ चुका है हाई स्कूल के, इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो पहले सबसे पहले आपको हेडिंग दिया रहेगा क्या पेपर में, इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, परिचय, हिज हाउस उसका घर दिया रहेगा, कि मतलब जो रेलवे कुली होता है उसका परिचय बताओ, कौन होता है, उसका घर कैसा रहता है, उसके ड्रेस कैसे रहते हैं, उसका कार्य क्या रहता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। ए मैन हु कैरीज ही द लगेज फॉर पैसेंजर्स, एक ऐसा आदमी, ए मैन माने एक ऐसा आदमी, हु कैरीज, कैरीज माने तो ढोना, जो ढोता है या ले जाता है, ले जाना या ढोना, दो अर्थ इसका होता है। लगेज माने सामान, आप पैसेंजर्स माने यात्रियों का, एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, मतलब एक ऐसा आदमी जो यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर सामान लेकर जाता है या ढोता है, इज कॉल्ड ए कुली, उसे कुली कहा जाता है। ही इज सीन, वह देखा जाता है एट ऑलमोस्ट, एट माने पर ऑलमोस्ट, लगभग ऑल द रेलवे स्टेशन, सभी रेलवे स्टेशनों पर, वह लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर क्या किया जाता है, देखा जाता है। कोई भी रेलवे स्टेशन रहेगा, लगभग हर जगह आप कुली को देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम हिंदी में बता दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि हिंदी आपके दिमाग में है तो इंग्लिश नहीं भूलेगा, ठीक, और आप बनाकर भी लिख सकते हैं। एक ऐसा आदमी जो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान को ढोता है, उसे कुली कहा जाता है। वह सभी, लगभग सभी रेलवे स्टेशनों पर देखा जाता है। तो चलिए अब दूसरा हेडिंग देखते हैं, हिज हाउस, उसका घर कैसे रहता है कुली का। हिज हाउस इज वेरी स्मॉल, उसका घर बहुत छोटा होता है। समटाइम्स, कभी कभी, स्मॉल क्वार्टर्स आर गिवन टू कुली, कुली को छोटे छोटे क्वार्टर दे दिए जाते हैं, क्वार्टर मतलब रूम दे दिए जाते हैं, बाई द रेलवे डिपार्टमेंट, माने रेलवे विभाग द्वारा। कभी कभी कुली को रेलवे विभाग द्वारा छोटे छोटे क्वार्टर दे दिए जाते हैं। उसके बाद बता दो, सम लिव इन द टिन शेड, कुछ लोग टिन के छप्परों में रहते हैं, शेड माने छत पर, टिन का मतलब उसे वही होता है जैसे करकट आप कहते हो, ठीक है, और ठीक है, एक प्रकार की धातु होती है जिसे मतलब छा के बना दिया जाता है, ठीक ना, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, ठीक। तो उसी का टिन एक प्रकार की धातु, उसी का छप्पर बना देता है, वो करकट, हाँ करकट कह दे तो आप, ठीक है, इस तरह का दूसरे टाइप में भी होता है, वो सीमेंटेड नहीं रहता, ठीक ना, लोहा वाला है। समटाइम्स टू आर थ्री फैमिलीज, कभी कभी दो या तीन परिवार लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, क्लियर, कभी कभी दो तीन परिवार भी एक साथ रहते हैं उसी में। तो फिर से देख लेते हैं इसका हिंदी क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। उसका घर जो है बता दो कि बहुत छोटा होता है, उस हिज हाउस, उसके घर में आपको क्या लिखना है, उसका घर बता दो बहुत छोटा होता है कुली का। कभी कभी जो है रेलवे विभाग द्वारा उसे छोटे कमरे दे दिए जाते हैं रहने के लिए। और बता दो कि कुछ लोग तो टिन के छप्परों में रहते हैं, सेट माने छप्पर, उसारा जिसको कहते हैं, छप्पर कहते हो। सम कभी कभी बता दो कि दो या तीन परिवार भी एक साथ रहते हैं, टुगेदर माने एक साथ या साथ साथ रहते हैं। उसके बाद उसका ड्रेस बता दो कैसा रहता है कुली का। बता दो कि द कुली इज ए पुअर मैन, कुली एक गरीब आदमी होता है, कैसा आदमी, गरीब आदमी होता है। सो ही पुट्स ऑन ए पुअर ड्रेस, इसलिए वह एक खराब ड्रेस, ही पुट ऑन माने होता पहनना, वियर माने भी पहनना होता, WEAR, लेकिन पुट ऑन माने भी होता पहनना। वह खराब कपड़े पहनता, पुअर माने खराब होगा, यहाँ गरीब नहीं होगा, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि उसकी राइटिंग बहुत पुअर है, यानी खराब। ही वियर्स, देखिए अब पहनना कहें, वियर्स आ गया आपकी बार। ही वियर्स ए रेड शर्ट, वह एक लाल शर्ट पहनता है, एंड वाइट पैजामा, और सफ़ेद पैजामा पहनता है, लाल शर्ट सफ़ेद पैजामा उसका ड्रेस है, क्लियर, जो सामान ढोते हैं। यही जो सरकारी मतलब कुली रहते हैं तो जिनको जो है मिलता है आदेश जो है कुली का काम करने का, तो वो सफ़ेद पैजामा और लाल शर्ट पहने रहते हैं, क्लियर, वही असली कुली है जो मतलब इस तरह के ड्रेस में भी देखेंगे।
ही वियर्स ए रेड टर्बन आर कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर एक लाल टोपी सॉरी टर्बन माने था पगड़ी, लाल पगड़ी बांधे, वियर्स माने पहनना, लाल पगड़ी पहने रहता है या बांधे रहता है, दोनों कह सकते हो, आर ए कैप अथवा टोपी लगाए रहता है, क्लियर, अपने सिर पर एक लाल पगड़ी पहन लेता है और टोपी लगाए रहता है। ही हैज ए ब्रास बेज ऑन हिज आर्म, उसके पास एक ब्रास माने पीतल का, बेज माने होता बिल्ला, ऑन हिज आर्म, आर्म माने होता बांह, उसकी बांह में एक पीतल का बिल्ला भी लगा रहता है, क्लियर, तो बिल्ला होता है उसमें कुछ नंबर दिया रहता है, दिस बेज माने या बिल्ला विथ नंबर्स इज गिवेन, में नंबर भी दिया रहता है टू हिम माने उसको, बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग द्वारा, ठीक है, इस बिल्ले पर रेलवे विभाग द्वारा उसे नंबर भी दिया रहता है, मतलब जो भी उसका नंबर रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक फिल्म का नाम बताते हैं बिल्ला नंबर 786, वो मिथुन चक्रवर्ती का वह है फिल्म है, तो उसमें उसका नंबर था 786, ठीक है, तो वो उसमें कुली का रोल किया था, क्या, हाँ, तो इस तरह से जो है मतलब उसको नंबर भी दिया रहता है, क्लियर, कुली नंबर, हाँ, तो कुली नंबर वन में भी फिल्म है गोविंदा की, तो कुली है, ठीक है, बिल्ला नंबर 786 में नंबर भी दिया रहता है उसका मिथुन चक्रवर्ती का, तो कुली का काम करता है, तो इस तरह से हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे उसका ड्रेस के बारे में, क्लियर, और लाल कलर का और उसका ड्रेस भी रहता है, ठीक, अब चलिए ड्रेस के बारे में एक बार हम फिर से हिंदी केवल बता दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, तो देख लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, इंग्लिश, एक कुली बता, पहले बता दे रहे हैं, कुली जो है गरीब आदमी होता है इसीलिए वह खराब कपड़े ही पहनता है, वह जो है लाल शर्ट और सफ़ेद पैजामा पहनता है, वह जो है बता दो कि अपने सिर पर, ठीक है, एक पगड़ी बांधता है और लाल टोपी पहन लेता है, लगा लेता है, उसके बता दो कि बांह में एक पीतल भी बिल्ला, एक पीतल का बिल्ला जो है रहता है, और इस बिल्ले पर जो है उसे जो है रेलवे विभाग द्वारा नंबर भी दिया रहता है, जो सरकारी कुली होता है उसको डिपार्टमेंट द्वारा नंबर मिलेगा, ठीक ना, रेलवे विभाग द्वारा, उसके बाद उसका कार्य बता दो, कार्य क्या करता हो, देखिए एक कुली इज हार्ड वर्किंग मैन, कुली कठिन परिश्रमी आदमी होता है, क्या करता है, कठिन परिश्रमी आदमी होता है, क्योंकि दूसरे का सामान ढोएगा तो परिश्रम ही करना पड़ेगा ना, और बता दो कि ही वर्क्स, उसके बाद बता दो वह दिन रात, ही वर्क्स डे एंड नाइट, वह दिन रात परिश्रम करता है, वर्क्स माने परिश्रम करना या काम करना, तो एक कुली जो हार्ड वर्किंग मैन, कुली एक कठिन परिश्रमी आदमी होता है, वह दिन रात क्या करता है, वर्क्स माने परिश्रम करता है या मेहनत करता है, ही डज नॉट अर्न मच, वह मच माने अधिक या बहुत, वह अधिक नहीं कमा पाता है, यानी बहुत नहीं कमाता है, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ही फाउंड सिटिंग, वह बैठा हुआ पाया जाता है, फाउंड मीन्स पाया जाता है, सिटिंग माने बैठा हुआ, एट द एंट्रेंस माने प्रवेश द्वार ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बैठा हुआ पाया जाता है, रेलवे स्टेशन पर वह स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ही बैठा हुआ पाया, जहाँ से आप प्रवेश करोगे वहीं बैठा हुआ पाया जाएगा, ताकि आपको कोई काम हो तो आप उससे करवा दो, धोने वगैरह वाला, ठीक है ना, सामान वगैरह का तो पहुँचा देगा, सो ही कैरीज द लगेज ऑफ द पैसेंजर, इसीलिए वह यात्रियों के, पैसेंजर माने यात्रियों के कैरीज माने ले जाता है या ढोता है, लगेज माने सामान, यात्रियों के सामान को ढोता है कहाँ, टू द प्लेटफार्म, ढोकर प्लेटफार्म तक ले जाता है, इसलिए वह यात्रियों के सामान को ढोकर प्लेटफार्म तक ले जाता है, सम टाइम्स माने कभी कभी, ही रिस्क हिज लाइफ, वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल देता है, कभी कभी वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल देता है, रिस्क माने जोखिम में डालना, खतरे में डालना, व्हेन ही हैज टू लोड, जब उसे लोड माने लादना, जब उसे लादना पड़ता है लगेज माने सामान को, इन मूविंग ट्रेन्स, मूविंग ट्रेन्स माने चलती हुई ट्रेन में, तो कह रहे हैं कि वह कभी कभी अपने जीवन को खतरे में भी डाल देता है जब उसे चलती हुई ट्रेन में सामान को लादना पड़ता है, क्लियर, ठीक, चलती हुई ट्रेन में जैसे अब लादना पड़ेगा तो पता लगे उसको खतरा भी हो सकता है ना, पैर वगैरह फिसल या चढ़ते समय उतरते समय, ठीक, इस तरह से, लेकिन जिम्मेदारी ले लेता है कि हाँ इतना पैसा देंगे तो आपका हम सामान पहुँचा देंगे, तो ट्रेन अगर चलना भी शुरू कर दी तब भी वो लगभग पहुँचा ही देता है, धीम रहती है, ठीक, तो उस तरह से वो खतरे में कभी कभी अपने जीवन को डाल कर काम करता है, ठीक, ही ऑल्सो हेल्प्स द पैसेंजर्स, वह यात्रियों को मदद भी करता है, टू गेट इन, गेट इन माने अंदर घुसना, ठीक है, गेट मीन्स होना, इन माने अंदर, मतलब ट्रेन के अंदर होने में यानी घुसने में, वह यात्रियों को ट्रेन के अंदर जाने में भी क्या करता है, मदद करता है,
ठीक है ना, कि मतलब उनको ले जाके बैठाता है, उनको सीट दिलाता है कि ठीक है आपका सीट जो है हम वहाँ जो है सामान पहुँचा देंगे आपको, जो है पहुँचा के सामान वहाँ आपकी सीट जो है सुरक्षित हम कब्जा किए रहेंगे, आप आ जाना आपको मिल जाएगा, ठीक ना। ही ट्राइज टू फाइंड आउट प्रॉपर साइट्स प्रॉपर सीट्स फॉर देम, ही ट्राइज मैंने वो प्रयास करता है, टू फाइंड आउट मैंने पता लगाने का, प्रॉपर सीट मैंने उचित सीटें फॉर देम उनके लिए, वह उनके लिए उचित सीटें जो है प्राप्त करने में भी क्या करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब उनका मिलवाने में जो है प्राप्त करवाने में मदद करता है। ही गाइड्स देम वह उन्हें मार्गदर्शन करता है उनका, टू राइट ट्रेन मैंने सही ट्रेन के लिए, एंड प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के लिए, वह उनका सही ट्रेन और सही प्लेटफॉर्म के लिए क्या करता है, मदद भी करता है, मार्गदर्शन भी करता है। ही नोज द टाइमिंग्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ऑल द ट्रेन, ही नोज माने वह जानता है द टाइमिंग्स माने समय को ऑफ अराइवल आने का एंड डिपार्चर प्रस्थान करने का ऑफ ऑल द ट्रेन वह हर ट्रेन वह सभी ट्रेनों के आने और जाने के समय का क्या करता है, टाइमिंग का को जानता है, आने जाने के समय को जानता है। वी कैन नॉट डू विदाउट हिम, हम उसके बिना कुछ कर नहीं सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से जो है उसका कार्य में आपको क्या क्या बताना है, क्लियर। मतलब अगर हम ज़्यादा सामान वान लिए हैं, परेशान हैं, ठीक है, तो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये कहने का मतलब वी कैन नॉट डू विदाउट हिम, बिना उसके हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्लियर। अगर हम सामान के साथ हैं, परेशानी में, ठीक, हमको कुछ पता नहीं है, तो कुली हेल्प करता है। तो उसका कार्य जो क्या होता है, एक बार फिर से हिंदी हम पूरा बता देते हैं ताकि और अच्छे से आपको कहानी की तरह समझ में आ जाए, अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत ना हो समझने में। बता देना कि एक कुली जो है कठिन परिश्रमी व्यक्ति होता है, वह दिन रात कठिन परिश्रम करता है, वह बहुत नहीं कमाता है या अधिक नहीं कमा पाता है। रेलवे स्टेशन पर उसे जो है स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ही बैठा हुआ पाया जाता है, इसलिए वह जो है यात्रियों के सामान को प्लेटफार्म तक ले जाता है। कभी कभी वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल देता है जब उसे चलती हुई ट्रेन में सामान को लादना होता है, लोड मिस लादना। वह कभी कभी यात्रियों को अंदर घुसने में भी मदद करता है, वह ठीक है उनके लिए उचित सीटों को प्राप्त करवाने का भी प्रयास करता है, वह सही ट्रेन और प्लेटफार्म के लिए उनका मार्गदर्शन करता है, वह ठीक है सभी ट्रेनों के आने और प्रस्थान करने के समय को जानता है। हम उसके बिना इस तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्लियर। इसमें से आप कुछ सेंटेंस घटा भी सकते हो, लास्ट वाला सेंटेंस जैसे आप नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। तो जो आपको महत्वपूर्ण शब्द हैं आप लिख सकते हैं, इसमें से 60 वर्ड कम से कम, 60 से 80 वर्ड आप कम से कम लिखो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।